तो हेलो भाई लोग, कैसे हो? मेरा नाम है अविनाश और मैं आप सबका वेलकम करता हूँ मेरे खुद के यूट्यूब चैनल पर धाकड़ रूपे। और आज मैं साउथ का शो लेके आया हूँ जिस शो का नाम है लॉक्ड। और इस शो को हमें देखना चाहिए या नहीं देखना चाहिए, और ये शो हमको ऐसा क्या नया दिखाता है और मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस शो को देखते समय, इस वीडियो में ये डिस्कस करने वाले हैं। तो आइए रिव्यू शुरू करते हैं। और इस शो का जॉनर है क्राइम ड्रामा थ्रिलर, और इस शो को IMDb पे 7.5 की रेटिंग मिली है आउट ऑफ 10 की। हाई रेटिंग से समझ सकते हैं शो कितना बढ़िया होने वाला है। और इस शो का डायरेक्शन किया है प्रदीप देवा कुमार ने, और इस शो की कास्ट में आपको देखने को मिल जाएंगे श्रीलक्ष्मी, बिंदु, संयुक्ता और कंचना। और ये शो एक मास्टरपीस शो होने वाला है, और भाई इस शो की जितनी तारीफ की जाए ना उतनी कम है। और पर्सनली ये शो मुझे भाई बहुत पसंद आया। और अगर शो के परफॉर्मेंस की बात करें ना, तो भाई परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है, और इस शो में ना आपको बहुत कुछ नया देखने को मिलेगा, और ये शो आपको एक अलग ही जर्नी पे लेके जाएगा। और अगर इस शो के कैरेक्टर की परफॉर्मेंस की बात की जाए ना, तो इस शो में जितने भी कैरेक्टर्स है ना भाई, उनकी परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया है। और शो में आपको कैरेक्टर की ना बैक स्टोरी भी देखने को मिलेगी कि कौन कैरेक्टर भाई किस तरह का है। और शो ना अपने प्लॉट को लेके सीरियस होता है, इस शो से कनेक्ट होने में ना आपको थोड़ा ज्यादा टाइम लग जाएगा। और इस शो की पूरी स्टोरी ना एक न्यूरोसर्जन के कैरेक्टर के इर्द गिर्द घूमती है, जो कोई भी केस को ना आराम से हैंडल कर लेता है। और उसके जितने भी सीनियर्स है ना, वो बहुत उसको अप्रिशिएट करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि यार हम नहीं कर पाया, तू कैसे कर लेता है। और इन सारी चीजों के पीछे भाई कारण क्या होता है, और इसी को देखते हुए ना उसका एक स्टूडेंट होता है जिसका नाम अविनाश होता है, और उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है कि इनके पास इतना टैलेंट, इतनी परफेक्शनिस्ट कैसे है, उसके पीछे क्या राज है। और वो जब उसको फॉलो करता है ना, तो भाई आगे स्टोरी में क्या होता है उसके लिए आपको एक प्रॉपर शो देखना पड़ेगा। इस शो में ना डॉक्टर का स्ट्रगल, उनकी लाइफ के बारे में थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है। और इस शो में भाई मेरा फेवरेट कैरेक्टर ना आनंद का लगा, जो भाई स्टार्टिंग में बहुत ही इनसेंस होता है, लेकिन भाई आगे जाके कितनी ब्रूटेलिटी से मर्डर करता है। और उनकी एक्टिंग बहुत ही बढ़िया लगी मुझे इस शो में। और इस शो में ना आपको बहुत ही वॉयलेंस देखने को मिलेगा। और अगर शो की हिंदी डबिंग की बात करें, तो भाई शो की हिंदी डबिंग बहुत बढ़िया है, और इस पूरे शो को ना थोड़ा डार्क रखा गया है। और जो आनंद का जो कैरेक्टर है ना भाई, खुफिया दरवाजों से एंट्री करता है ना, और उसके पीछे जो बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है भाई, सुन के मजा आ जाता है। और इस शो को देखने के बाद भाई मैं टोटली इम्प्रेस हो गया था, और इस शो से भाई इतनी एक्सपेक्टेशन रखी नहीं थी मैंने, क्योंकि मेरे को लगा कि एक नॉर्मल सा शो होगा। और इस शो में ना भाई सरप्राइज वाले और चौंकाने वाले सीन भाई आपको बहुत देखने को मिलेंगे। और अगर इस शो के क्लाइमेक्स की बात करें, तो भाई शो का क्लाइमेक्स बहुत ही बढ़िया लगा। इस शो से ना भाई इतनी उम्मीद नहीं थी कि भाई इस शो में इस तरह का क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा। और अगर इस शो के डायरेक्शन, स्क्रीन प्ले, क्लाइमेक्स की बात की जाए ना, तो सब एकदम बहुत बढ़िया है। और अगर इस शो के कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें ना, तो इस शो में आपको फातिमा का कैरेक्टर देखने को मिलेगा, जो अपने पति पे ना बहुत शक करती है, और वो इतना शक करती है ना कि एक बार ना आनंद के घर पे चले जाती है कि मेरा पति यहाँ पे आया है या नहीं आया। अगर श्री लक्ष्मी और वैष्णवी के कैरेक्टर के बारे में बात करें ना, तो ये दोनों चोर होते हैं जो लोगों के घर में ना चोरी करते हैं, और कैसे ये दोनों ना आनंद के घर पे आ जाते हैं और वहीं पे ना फंस जाते हैं, और ये दोनों फिर बाद में कैसे निकलते हैं या निकल पाते हैं या नहीं, ये सारी चीजें आपको शो में देखने को मिलेगी। और अगर अविनाश के कैरेक्टर के बारे में बात करें ना, तो अविनाश का जो कैरेक्टर ना एक न्यूरोसर्जन बनना चाहता है, और वो अपना रोल मॉडल ना आनंद सर को मानता है, क्योंकि वो ऐसे ऐसे सर्जरी करते हैं ना कि भाई कोई नहीं कर पाता, और वो भाई उनका रोल मॉडल सच में होता है या कोई एक मर्डरर होता है, ये सारी चीजें आपको शो में देखने को मिलेगी। और अगर बिस्बा के कैरेक्टर के बारे में बात करें ना, तो जो उसकी बीवी होती है ना, उस पर बहुत शक करती है, और जो बिस्बा का कैरेक्टर होता है, वो सोचता है कि मैं कहीं ना कहीं सुसाइड कर लूँ, कि तब वो ना आनंद को फोन करता है कि मेरे अंदर थॉट्स आ रहे हैं सुसाइड करने के, और वो ना दारू लेके जाता है उसके घर पे, और उसके साथ ना एक इंस्पेक्टर भी होता है, और ये दोनों ना उस रात उसके घर में दारू पी रहे होते हैं, और आनंद ना मिस्बा का बेस्ट फ्रेंड होता है, और लास्ट में भाई वो उसके साथ क्या करता है, ये सारी चीजें आपको शो में देखने को मिलेगी। और अविनाश की जो माँ है ना, उसके ना ब्रेन में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, और जितने भी डॉक्टर होते हैं ना, वो सब हाथ खड़े कर देते हैं कि अब इनका बचना ना बहुत मुश्किल है। तो वहां पे ना आनंद का कैरेक्टर आता है, और कैसे भाई उनकी सर्जरी करता है और उनको बचा लेता है। अगर इस शो के प्लॉट पे ना, तो शो में आपको देखने को मिलेगा कि कुछ कैरेक्टर ना एक घर में फंस जाते हैं, और उस घर से निकल पाते हैं या नहीं, बस इसी की स्टोरी है। तो भाई इस वीडियो में इतना ही, आपको ज्यादा नहीं बताऊंगा ना, इस शो के लिए ना स्पॉइलर हो जाएगा। और ये पूरा शो ना आपको एमएक्स प्लेयर की स्ट्रीमिंग सर्विस पे देखने को मिल जाएगा विद हिंदी डब में। तो भाई इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये शो पसंद आया, तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा, ताकि मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और मैं टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में। ओके, बाय, टेक केयर, जय भीम, जय भारत।